दी कश्मीर फाइल्स के बाद एक और मूवी ऐसी इंडिया में रिलीज हुई है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, दी केरला स्टोरी। इस कंट्रोवर्सी को लेफ्ट विंग अपने तरीके से और राइट विंग अपने तरीके से यूज कर रहा है। पॉलिटिशियंस इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, क्या ये मूवी सही है? क्या इसमें जो दिखाया गया है वो एक रियल स्टोरी है या फिर ऐसे ही है? इस मूवी में ये दिखाया गया है कि केरला की क्रिश्चियन या फिर हिंदू लड़कियों का कैसे ब्रेन वॉश किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उनको ISIS में शामिल करने के लिए अफगानिस्तान ले जाया गया। मूवी में ऐसा बताया गया है कि ऐसा 32,000 लड़कियों के साथ हुआ है। और कंट्रोवर्सी इस बात पे भी है कि ये जो नंबर्स बताया गया है लोगों का, ये एक्चुअल नंबर है ही नहीं। और इसमें जो चार कैरेक्टर दिखाए गए हैं उसमें कुछ तो फिक्शन है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर अदा शर्मा का है वो रियल लाइफ में फातिमा के कैरेक्टर से, फातिमा की स्टोरी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और बाकी सारी कहानी रियल नहीं है, बल्कि रियल लाइफ से कुछ कुछ इंसिडेंट्स उठाए गए हैं और मूवी में डाला गया है, और उनमें से कुछ को एग्जेजरेट करके उसमें मिर्च मसाला लगा करके दिखाया गया है, जो कि एक नॉर्मल मूवी में होता ही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है ISIS का और PFI का। सबसे पहली बात, अगर केरला के बारे में देखें तो केरला की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अपने इंडिया में। वहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आखिर उनको कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है? उनके दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है कि वो अपने धर्म को छोटा मानने लगते हैं, अपने धर्म में कमियां निकालने लगते हैं। उन्हें ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म आपके धर्म से ज्यादा बेहतर है। केरला में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और क्रिश्चियन भी रहते हैं। ISIS अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहता है जहाँ पे शरिया कानून फॉलो हो। ये काफी NGO और ऑर्गेनाइजेशन की मदद से लोगों का ब्रेन वॉश करता है, उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करता है। सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि और सारे देशों को अपना टारगेट बनाता है। बात अगर इंडिया की करे तो ये उस जगह पे ज्यादा एक्टिव हो जाता है जहाँ पे एक पावर हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो उसके खिलाफ भड़काता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवाता है। ऐसी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI भी ISIS के साथ शामिल है। एक्चुअली इनका टारगेट ही यही है कि ये 2047 तक इंडिया को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। ISIS से पूरी दुनिया परेशान है, इसके खिलाफ बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है। ये यंग लोगों को टारगेट करते हैं और उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और ये जो लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी केरला से ही आया है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो मूवी में दिखाया गया है कि 32,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो उसके खिलाफ केस भी फाइल किया गया जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि मूवी के डिस्क्लेमर में ये दिखाना चाहिए कि ये मूवी नाट्य रूपांतरण है, कि ये रियल स्टोरी नहीं है बल्कि इंस्पायर्ड बाई है। और 32,000 के आंकड़े को भी एक्चुअल नंबर दिखाने के लिए बोला है। और ऐसी मूवीज हमारे समाज में बहुत कम ही रिलीज होती है, लोगों में हिम्मत नहीं होती है सच्चाई को दिखाने की और फिर कंट्रोवर्सी पैदा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद द अनटोल्ड दुनिया फॉर मोर सच वीडियोज।